Hello my dear students, so in this video lecture I will tell you about the functions of blood. In my last videos I told you about basics of blood, its composition and in detail about WBC, what is phagocytosis, we all have discussed. So in this video I am going to tell you what functions are actually performed by this blood. So three general functions blood has to perform. So first one function is transportation. First is transportation. Second is regulation. Second is regulation. And third is protection. अगर स्टूडेंट्स हम लोग ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि ब्लड जो है वो क्या क्या चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है. तो आपको सारे बेसिक्स मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट करेगा जैसे कि न्यूट्रिएंट्स को. क्या ट्रांसपोर्ट करेगा? न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करेगा, जितनी भी रेस्पिरेटरी गैसेस हैं उनको ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट करेगा, रेस्पिरेटरी गैसेस, और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है उनको एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की तरह ट्रांसपोर्ट करेगा अवे फ्रॉम सेल टू द किडनी. आप यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स. और ये ट्रांसपोर्टेशन करता है हार्मोन्स का, हार्मोन्स लिख सकते हैं, ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं स्टूडेंट्स. बेसिकली हार्मोन्स को मैं डिटेल में बताऊंगी आपको एंडोक्राइन वाले पार्ट में. और कुछ वाटर और इनऑर्गेनिक आयंस और केमिकल्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है. वाटर, इनऑर्गेनिक आयंस एंड सम केमिकल्स आल्सो. तो ये तो बात हो गई स्टूडेंट्स ट्रांसपोर्टेशन. मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूं कि जो वाटर है जो ट्रांसपोर्टेशन फंक्शन को परफॉर्म करेगा ब्लड, न्यूट्रिएंट्स वो कैसे करेगा, ये सभी सॉल्युबल फूड प्रोडक्ट्स जैसे कि शुगर है, अमाइनो एसिड्स हैं, उनको डाइजेस्टिव ऑर्गन से पर्टिकुलर डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी तक लेकर जाएगा. रेस्पिरेशन की बात करें तो ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा, लंग्स से टिश्यूज तक पहुंचाएगा, और CO2 को टिश्यूज से लंग्स तक लेकर आएगा. वेस्ट प्रोडक्ट की बात करें अगर हम लोग एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की, तो ये अवे फ्रॉम सेल लेकर जाएगा टू द किडनी फॉर द रिमूवल प्रोसेस. हार्मोन्स का मैंने आपको बताया कि ये ट्रांसपोर्ट करेगा हार्मोन्स को एंडोक्राइन ग्लैंड से उनके पर्टिकुलर टारगेट ऑर्गेन पर, टारगेट ग्लैंड. और जो वाटर, इनऑर्गेनिक आयंस और जो केमिकल्स हैं इनको ट्रांसपोर्ट करेगा ब्लड अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ दैट पर्टिकुलर टिश्यू. अगले पॉइंट पे आते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, रेगुलेशन. तो जो ब्लड का पीएच होता है, आपको मैं पहले भी शायद बताया होगा मैंने जब हम लोगों ने ब्लड का बेसिक्स डिस्कस किया था कि इसका जो पीएच है वो 7.4 होता है, अल्कलाइन होता है. आप कह सकते हैं दिस इज स्लाइटली अल्कलाइन. और पीएच का मतलब स्टूडेंट्स आपको पता होगा दिस इज द पावर ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज 7.4. बॉडी का जो टेम्परेचर है, जो ब्लड है कनेक्ट करेगा ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, हीट को पिक करेगा वन पार्ट से और डेसिपेट करेगा बॉडी सर्फेस में, तो ये रेगुलेशन के पार्ट में आ जाएगा स्टूडेंट्स. और हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है, इट विल रेगुलेट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. एंड इट ब्रिंग्स यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करेगा. और लास्ट हम लोग पॉइंट को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, प्रोटेक्शन. आपको पता है प्रोटेक्शन कैसे करेगा? ये ब्लड क्लॉटिंग एक प्रोसेस है, इसको मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो मेरा ब्लड क्लॉटिंग पर ही होगा. ब्लड क्लॉटिंग करके ब्लड के पास बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो हेल्प करते हैं क्लॉटिंग में और अगेंस्ट ब्लड लॉस. अगर कभी स्टूडेंट्स ब्लड क्लॉट नहीं कर पाएगा तो आप समझ सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ इंजरी आपकी बॉडी से ब्लड लॉस हो जाए. और हमारी डिजीजेस से भी हमको प्रोटेक्ट करेगा ब्लड. कैसे? आपको पता है हमारे ब्लड में एक WBC कंपोनेंट है और वही WBC सोल्जर सेल्स कहलाता है, हार्मफुल बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करेगा और जितने भी जर्म्स हैं उनको इंजेस्ट कर लेगा बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज. मैंने फैगोसाइटोसिस भी आपको क्लियर किया था. इस तरीके से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा बहुत सारे डिजीजेस और इन्फेक्शंस.
आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही स्टूडेंट्स, और हम लोग जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ जो कि होगा ब्लड क्लॉटिंग, इसको मैं डिटेल में आपको बताऊंगी, और एक लेक्चर में हम लोग सीरम और प्लाज्मा में क्या डिफरेंस है ये भी पढ़ेंगे. सो आज के क्लास में इतना ही. थैंक यू स्टूडेंट्स.